गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू डू एक्सरसाइज 13.5। सो इन 13.5 नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वॉल्यूम। एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 सब किस पे थे? एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का और सरफेस एरिया ऑफ डिफरेंट 3D फिगर्स। नाउ वी आर हैविंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द वॉल्यूम आगे वाली एक्सरसाइज में। बट इन एग्जाम यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल दैट व्हाट इज आस्क्ड वॉल्यूम और, क्योंकि सब मिक्स सारा चैप्टर पूरा हो गया, ठीक है। कई बार वॉल्यूम नहीं लिखा होता वर्ड और एरिया वर्ड नहीं लिखा होता। ये बोला होता है कि अगर हमने एक क्यूबॉइड बनाना है तो कितना कार्डबोर्ड चाहिए, एक क्यूबॉइड बनाने के लिए कितना कार्डबोर्ड चाहिए। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, उसका टोटल सरफेस एरिया और एक क्यूबॉइड में कितना सामान आ सकता है, इसके लिए हमें उसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम मींस द कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ओपन दैट पेज वेयर यू हैव रिटन ऑल द फॉर्मूलास। अब हम सारे वॉल्यूम के फॉर्मूला इकट्ठे लिख लेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, कम इन, हेमिस्फीयर, कौन, ये रेजर, हाँ जी, राइट डाउन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज एल इंटू डी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज साइड क्यूब और वी कैन से ए क्यूब, वेयर ए इज द साइड ऑफ द क्यूब, ए इज द साइड ऑफ द क्यूब। देन वी हैव सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या है, 4 pi r square। जो एरिया होता है ना बेटा वो हमेशा टू डायमेंशन में होता है, जैसे 4 एक नंबर है, पाई भी एक रैश नंबर हो गया, है ना। आर का क्या है आपके पास, स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम यहाँ किस चीज की बात कर रहे हैं, एरिया की। एरिया में टू डी चीज, दो डायमेंशन आती है, इसलिए आर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3 πr³। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, 4/3 πr² उस दिन टेस्ट में मैंने देखा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन लिख रहे हैं 2πr³। पता नहीं कैसे इंट्रोड्यूस करते हो आप अपने माइंड में भी ये चीजें। रमनजीत वाज राइटिंग वेरी शी, यू वर राइटिंग 2πr², कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। So mostly the students do mistake in this. They write 4/3 πr² The volume of the sphere is 4/3 πr³ And if you write 4/3 πr² तो ये नहीं सोचते हम कि अच्छा चलो एक ही आर कम है, नंबर दे दे। No, straight cut and zero. समझ आ गई? So आपने ये सोचा करो कि जब वॉल्यूम है इसका मतलब तीन चीजें हैं, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। 4/3 एक नंबर है, 22/7 भी एक नंबर है, वॉल्यूम है, तीन चीजें, तो आर का क्या होगा, क्यूब। स्फीयर और टोटल सरफेस एरिया में 4πr², जब स्क्वायर है तो 3 नहीं आएगा। ऐसे कुछ अपने दिमाग में रखो ना कि किस तरह से तुम फॉर्मूलाज को लर्न कर सकते हो, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, टोटल का है 4/3 स्फीयर का, ये हेमिस्फीयर मीन हाफ ऑफ स्फीयर, मतलब डिवाइडेड बाय 2, हाफ कर दिया तो क्या बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2/3 πr³ एंड कौन का है, 1/3 πr²h। अब इसमें देखो, इसमें 2 रेडियस है और 1 हाइट, 3 हो गई चीजें, 2 रेडियस और 1 हाइट, तो टोटल 3 चीजें हो गई। तो इसका मतलब हम यहाँ किस चीज की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम। नोट डाउन क्विकली,
चीज का एक्सरसाइज का 228 कहा आज लेके जाऊंगी घर घर कहा थी तनुभा को बोला था बैग में रखना सी ऑल राइट एक्सरसाइज 13.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा नित्य देखो मैंने क्या बोला 13.5 नहीं बेटा इतनी मुश्किल से करवाई है चलो अ मैटबॉक्स मेजर्स दिस इनटू दिस व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस कर लोगे ठीक है वॉल्यूम ऑफ वन पैकेट इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच फॉर्मूला जरूर लिखना है तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे नाउ द वॉल्यूम विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब देन यू विल राइट वॉल्यूम ऑफ 12 पैकेट्स 12 से उसको मल्टीप्लाई ठीक है अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज दिस लॉन्ग दिस वाइड दिस डीप हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड नाउ सी अब इसमें एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है उसमें कितना पानी आ सकता है इसका मतलब किस चीज की बात कर रहे हैं वो क्यूबॉइडल टैंक के वॉल्यूम की राइट डाउन लीटर्स में निकालना है लिखो L 6 मीटर सी आर द डाइमेंशंस करेक्ट नाउ यू विल राइट capacity of cuboidal tank is equal to six into five into 135 meter cube. Now they are written 1 meter cube is equal to 1000 liter. ये आपको learn करना पड़ेगा. इधर देखो. 1 meter cube is equal to 1000 liter होता है. और 1000 centimeter cube 1 liter. अगर so 135 meter cube. If 1 meter cube If 1 meter cube is equal to 1000 liter, then 135 meter cube is obviously 35 से multiply कर दोगे, it will be 135 into 1000, 135,000 liter. This is the capacity of the cuboidal tank. अब ये आपको learn करना पड़ेगा. आगे आपके book में questions हैं जिसमें centimeter cube, centimeter में units given है और आपको liter में निकालना है, फिर divide करना पड़ता है. उसका relation ये है. Note कर लो please. कौन पढ़ रहा है कंप्यूटर किसने कहा मैथ की एक्स्ट्रा क्लासेस वो तो तब लगती थी जब PT2 के एग्जाम्स होते थे और वो भी वीक स्टूडेंट्स की लगती थी आपके तो आपको कुछ समझना है बेटा तो आप मेरे से पूछ सकते हो एक मिनट चुप कर जा देते हैं तो चुप्पी कर जा देखो मेरी बात सुनो अब इसमें क्लास
एक्स्ट्रा क्लास लगा भी लेंगे तो उससे क्या होगा, है ना? प्रैक्टिस करो बेटा, ठीक है? आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो यू कैन टॉक टू मी, वी आर हेयर इन द स्कूल टिल टू. अभी जब भी, वेन एवर आई विल बी फ्री, आई विल टेल यू दैट यू कैन कम टू मी दिस डे, है ना? बट अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करनी है. अगर तो कोई चीज नहीं आती वो मैं समझा सकती हूँ, लेकिन प्रैक्टिस तो खुद ही करनी पड़ेगी ना. आप ऐसे करो ना जैसे सम कर लिए, उसके बाद आप टेक एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर बुक, मिलते जुलते सम्स वो करो, या एनसीईआरटी में से ही कॉपी को बंद कर दो, सारे कर लिए रिवीजन, सपोज तुम एसएससी पढ़ रहे हो, उसके बाद मैथ खोलो, कर चुके हो या अगले दिन करो, बात समझ में? जब किए ही नहीं कि ताजा ताजा किया और ताजा ताजा सम कर लिए, रुक गए तुमने, आज रिवाइज किया, कल दोबारा खोलो, फिर देखो क्या तुम कर पा रहे हो, ठीक है? उस तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. बातें कर लो, प्रैक्टिस से ठीक होता है बेटे, एकदम से नया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूलाज में होती है कंफ्यूजन, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे वो पक्के हो जाते हैं. पहली बार में तो कोई चीज नहीं ना आती एकदम से, भूलते ही हैं, तो वो बार बार करके ही आते हैं, ये तो नेचुरल है. पहली बार में जब आपको क्यूब इतने सारे फॉर्मूलाज है, ऑब्वियसली यू विल गेट कंफ्यूज, बट व्हेन यू विल डू द प्रैक्टिस देन इट विल फिट इन योर माइंड एंड यू विल नेवर फॉरगेट. तू पहले एनसीईआरटी कर ले युग, बस छोड़ दे तू एग्जाम्पलर. अभी एग्जाम्पलर इज नॉट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, पहले एनसीईआरटी करो. एनसीईआरटी तो तुमसे हुई नहीं अभी तक, बाद में करना एग्जाम्पलर. अब करें, कल का भी नहीं पीरियड लगा. अ क्यूबॉइडल, सॉरी, अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड, हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड. सो वेरी इजी, वॉल्यूम की बना, लेंथ की बना, ब्रेथ की बना, हाइट निकालनी है. चलो फटाफट से करेंगे. राइट डाउन ये रेजा एंड जशन, नाउ यू विल नॉट टॉक बेटा, लास्ट वार्निंग. थर्ड क्वेश्चन, एवरीवन कीप क्वाइट. मुझे नहीं, मैंने पर जानना भी नहीं है. लेंथ इज 10 मीटर, ब्रेथ इज 8 मीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्यूबॉइडल वेसल इज 380 क्यूबिक मीटर, मींस 380 मीटर क्यूब. नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 495. चलिए हरी अप.
डन। नाउ सी द फिफ्थ क्वेश्चन, दिस इज थर्ड, फोर्थ देखिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट, लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। हमने वी हैव टू डिग अ पिट, खड्डा खोदना है, कैसा क्यूबॉइडल, लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, वॉल्यूम निकालोगे ठीक है, और फिर उसको कॉस्ट से क्या करोगे मल्टीप्लाई। आप लिखोगे रिक्वायर्ड वॉल्यूम, क्या लिखा है, हाँ रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH, फिर कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब इज ₹30, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 30 मीटर क्यूब इज ₹30 इंटू, किसी लेबर को बोल रहे हो कि आपने 30 मीटर क्यूब मतलब इतना लेंथ, इतनी ब्रेथ और इतने इतना गहरा आपने खड्डा खोदना है। थोड़ा गड्ढा खोदना है तो कम पैसे लेगा, ज्यादा खोदना है तो ज्यादा पैसे लेंगे लेबर, है ना, बराबर तो नहीं है। तो अगर 1 मीटर क्यूब पिट खोदने के लिए ₹30 ले रहा है कोई पर्सन, तो जितना हमारा LBH है उसका पिट खोदने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी। सो यू विल मल्टीप्लाई द वॉल्यूम विद द कॉस्ट, कर लोगे ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा। द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, लेंथ एंड डेप्थ, ध्यान से डेप्थ इन हाइट, मीटर में गिवन है, राइट डाउन वॉल्यूम ऑफ टैंक, नाउ इट इज गिवन इन लीटर्स, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर क्यूब। हमने डिवाइड करना है, ब्रेथ इज व्हाट, वॉल्यूम ओवर एल इनटू एच, तो वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में होना चाहिए। अगर आपने 50,000 को डिवाइड कर दिया तो अगेन यू विल, योर आंसर विल गेट रॉन्ग। सो यू राइट डाउन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, वॉल्यूम ऑफ टैंक 50,000 लीटर, आपको करवाया है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, मींस 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। लीटर को मीटर क्यूब में करना है तो हरनूर क्या करना पड़ेगा, हां जी 50,000 डिवाइडेड बाय 1000। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज, एल और एच की वैल्यू स्टार्टिंग में लिख भी सकते हो, सीधा भी पुट कर सकते हैं, 50, लेंथ इज 2.5, ब्रेथ वी हैव टू फाइंड, हाइट इज 10। चलिए so the breadth is 2 meters, now next question, ये दिव्यांशी, वंशिका, साहिल, क्या बात है बेटा, बस करो प्लीज। वंशिका अगला क्वेश्चन समझाएगी, चलो वंशिका क्वेश्चन नंबर 6 क्लास में देख लेना, ऑनलाइन स्टूडेंट आके देख लो बेटा, मैं नहीं बता रही हूँ, आके देख लो, जस्ट 1 मिनट। यस बेटा, इन क्वेश्चन नंबर 6 इट इज गिवन, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। एक विलेज के एक पर्सन को एक दिन में मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट उसकी कितनी है, 150 लीटर्स, राइट, एंड द टोटल पर्संस इन द विलेज आर 4000। इसका मतलब एक दिन की रिक्वायरमेंट, अगर आपकी क्लास में एक बच्चे को एक दिन में 150 लीटर्स पानी चाहिए तो आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनको एक दिन में कितना पानी चाहिए, मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, राइट। आपके स्कूल के वाटर टैंक में जितना पानी है आपकी क्लास वो पानी कितने दिन तक पी सकती है,
जितना पानी टैंक में है डिवाइडेड बाय द वाटर रिक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन वन डे। समझ आ गई? जैसे हम करते होते हैं, इस वॉल पे कितनी टाइल्स लगेंगी, द टोटल एरिया ऑफ द वॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, सो वी गेट द नंबर ऑफ टाइल्स टोटल व्हिच विल बी प्लेस्ड ऑन द वॉल, यस और नो? तो विलेज में एक टैंक की वॉटर टैंक है, उसमें पानी है, उसकी हर डायमेंशन सब गिवन है, वो पानी कितने दिन तक चलेगा, क्या करेंगे, जितना उसमें वॉल्यूम। अब डिवाइड करते वक्त ये ध्यान रखना है कि ऊपर क्या रखना है, ऊपर रखना है जितना हमारे पास, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द वॉटर इन द टैंक, वॉल्यूम जितना पानी, पानी जितना है डिवाइडेड बाय जितनी रिक्वायरमेंट है फॉर वन डे बाय ऑल द पर्सन, तो आ जाएगा कि वो पानी हमारे पास, इसको डिवाइड करके आएगा क्या, नंबर ऑफ डेज फॉर विच द वॉटर, फॉर विच दैट वॉटर विल लास्ट। Is the question clear to everyone? So write down. तुझे तो सबसे ज़्यादा government समझ आया। Write down. Quantity of water needed by one person. चुप कर जाओ। क्वांटिटी ऑफ वॉटर वॉटर नीडेड बाय वन पर्सन इन इज 150 लीटर्स, देन हाउ मेनी पर्संस, 4000 पर्संस इन वन डे, तो 4000 लोगों को कितना पानी चाहिए वन डे में, वन टू थ्री फोर जीरो देन 15 4 60 6 लाख लीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ volume of water in the tank is 1800 meter cube, 1 meter cube is equal to 1000 liter, 1800 meter cube is equal to 1800 into 1000, 18 के साथ 1 2 3 4 5 0 तो डिवाइड कर देना। अब लिखोगे नंबर ऑफ डेज फॉर विच द number of days for which the water lasts will be volume of tank, volume of water in tank likho, divided by volume of water needed for one day. Obviously it is understood that we are talking about all the people in the village, एक दिन में उनको कितना पानी चाहिए, थ्री डेज। क्या लिखा तुमने, ठीक है वाटर लिख दो, क्वांटिटी ऑफ वाटर लिख दो, ठीक है बात। अगर डाउन मेजर, एक गडाउन है बेटे, उसकी मेजर डिमेंशन गिवन है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स,
Find the maximum number of wooden crates each measuring this that can be stored in the godown. Now volume given है दोनों के. एक godown है जिसमें हमने wooden crates रखने हैं. Wooden crates समझते हो? वो जो लकड़ी के जिसमें fruits आते हैं है ना? कितने wooden crates आ सकते हैं एक godown में? क्या करेंगे? Divide. Volume निकालना नहीं है. Volume ऐसे रखेंगे. मेरी बात सुनो. ऊपर किसका volume रखेंगे? Godown का कि crate का? सीधा लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7. नहीं नहीं कुछ नहीं है. नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स विच कैन बी प्लेस्ड in godown is equal to बस इसमें ये ध्यान रखना है कि सारी डायमेंशन सेम यूनिट में हो. कोई एक भी डिफरेंट यूनिट में है तो उसको चेंज करना है. वॉल्यूम ऑफ godown डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट. Godown की वॉल्यूम है 40 × 25 × 50. इसकी 1.5 × 1.25 × 0.5. 0.5 हटाएंगे 10, इसका 0.5 हटाएं 100, इसका 0.5 हटाएं तो 10. अब देखेंगे 15 के साथ कैंसल. 5 5 5 25, then 5 8 5 5 25, 5 2 10. क्या बचा? 8 2 16. चेक करो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द आंसर. 18,000 16,000 वुडन क्रेट्स. All right. Yes, students. We'll continue in our next class. Take care.